सिंगरौली में छठ पर्व पर लोगों ने सूर्य की उपासना के साथ बड़ी धूमधाम से इसे मनाया। लोगों ने नदियों एवं घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। कई क्षेत्र में भी इसकी रौनक देखी गई। मोरवा छठ घाट, रेलवे स्टेशन के समीप बने घाट, झिगुर्दा घाट व एनसीएल कॉलोनी स्थित घाट पर स्थानीय लोगों ने छठ पर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पुत्र की दीर्घायु होने और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। सूर्य अस्त होने से पूर्व व्रती महिलाओं ने तालाब में स्नान कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर अपने वेदी स्थल पहुंचकर अपने अपने सूप पर घी के दीपक जलाकर छठ मैया का ध्यान लगा अपनी मन्नत मांगी। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार छठ पूजा के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे, परंतु इस महापर्व को देखने के लिए भी स्थानीय लोगों का काफी हुजूम छठ घाटों पर उमड़ा दिखाई दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।